हाँ भाई, क्या चल रहा है? सब बढ़िया। मैं इतना खुश क्यों हूँ? अरे खुशी मत देखो, दर्द देखो, मेरा दर्द है दिल। दिल में जगाया आपने। अरे यार, लास्ट की 3 वीडियो इतनी सही थी साला, व्यूज नहीं उसका दुख नहीं है, मतलब उसका दुख है बट फिर भी साला, वो जो करा था ना मैंने, कौन सा ओला वाला, इतना मस्त वीडियो लगा मेरे को, वो डिमोनेटाइज हो गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट छोड़, उस बारे में नहीं जाएंगे, दर्द नहीं बांटेंगे। खुशियां बांटना अपना काम है, मौजा करना अपना काम है, मौजा आना चाहिए लाइफ में। दुख दर्द की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो मैं ऐसे ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था, तो वहां पे हमेशा ना ऐसा कुछ ना कुछ दिख जाता है मुझे, जहाँ पे होता है कि भाई साहब, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, लड़कियों को भी चाहिए। तो वैसे एक क्लिप थी, कोई टनलर था, वो मतलब जो टनल खोदते हैं, तो उस पर किसी ने कहा था कि औरतें यहाँ पे 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं मांगती। मैं कहा सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और एक चीज नोटिस करना, तुम औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, ये हर चीज ना अपने बारे में बना लेगी, अपने बारे में। आदमी हम लोग नहीं है, हम बहुत सिंपल क्रिएचर है, हरामी है, कमीने हैं, कुत्ते भी हैं, बट बहुत सिंपल क्रिएचर है। और इनका ये हमें अपने ही बारे में बनाना है, मतलब समझो कि आदमी, शादीशुदा आदमी साल के 364 दिन अपनी पत्नी का मुंह देख के खाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी ने एक दिन अपने पति का मुंह देख के खाया, इन्होंने त्योहार बना दिया करवा चौथ। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम ऐड देख लो, ऐड भी प्रोग्रेसिव के नाम पे क्या चलाते हैं, मतलब चाय पत्ती की ऐड है। औरत गई किचन में चाय बनाया, औरत उस पे ऑफेंड हो गई कि हमेशा औरतें ही किचन में क्यों दिखाई जाती है। अरे जब लाइफ इंश्योरेंस की ऐड आती है तो उसमें आदमी ही क्यों मरता है, हम कंप्लेन कर रहे हैं क्या? नहीं, बट औरतों को लगा हुआ है अपना बनाने के लिए। बात तो सही है। और तुम अभी भी यकीन नहीं है ना, तुम अपने किसी भी शादीशुदा दोस्त के घर चले जाना छुट्टी वाले दिन, जैसे आज संडे ना, आज जाके देख लेना, तुम्हें वो घर में सफाई करते हुए देखेंगे बट बाहर एक कंप्लेन नहीं होगी। हाँ, ये वही शख्स है जो लास्ट वीक पूजा गया था, अब झाड़ू मार रहा है घर की। भाई साहब, ये जोक भी नहीं, फैक्ट है ये कि छुट्टी वाले दिन बीवी की निगाहें उस ठेकेदार जैसी हो जाती हैं जिसकी लेबर खाली बैठ के बीड़ी फूंक रही हो। पूछ लेना शादीशुदा पतियों से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तुम मुझे बोल रहे भाई तू लड़कियों को बैश कर रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं बैश नहीं कर रहा, मैं कुछ झाड़वाड़ नहीं रहा, क्योंकि मेरे को लगता है लड़कियों की यही तो खूबी है इस देश में। इस देश की लड़कियों की सबसे बड़ी खूबी है कि उनका पति चाहे भला हो बुरा हो, जैसा भी हो, पूजा जाता है। वरना विदेश में देख लो, वो सीधा बदल देते हैं। नए पापा आ गए। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं इंडियन एड्स, पुराने इंडियन एड्स, क्योंकि मैं नॉस्टैल्जिया हिट मार गया यार। तो मैं वो ये वाला ऐड तुमने पक्का देखा होगा, पक्का देखा होगा। बाबा, बाबा क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। मान गए भाई, बाबा मैंने किसी के पास, देखिए ये गलत बात है, देखिए। हाँ कह रहे हैं, हाँ क्यों बाबा, बड़ा है तो एक जीरो बड़ा है, एक और भाई, दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, घर में रखिए MC। देखो, अगर तुम सील सुन के खुश हुए तो तुम अभी निब्बा निब्बी में वाली उम्र में हो, ठरकिल्ले हो तुम। और अगर तुम इसके हालात में दुखी हुए तो अब तुम लालची हो चुके हो, तुम दुनिया की मोह माया में बदल चुके हो। और मैं नॉस्टैल्जिया में दुखी हो रहा हूँ, वो ही दिन ठीक थे, मैं इस बुढ़ाऊ की जगह पे क्यों नहीं हूँ। तुम निर्वाणा प्राप्त कर लो भाई, तुम्हें मैं लाइसेंस दे रहा हूँ। सही बात है भाई, कितना दुख है इस एड में, कितना दुख है। और कंपनी को अपना प्रोडक्ट प्रचार करना है, अरे मेरे को तेरी सील नहीं चाहिए, मेरे को वो वाली सील चाहिए, नेवी सील की बात कर रहा है, क्या ठरकी लोगे तुम। चल झूठा भाई, द फॉरेन वाला भाई, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर है, पता नहीं टेनेंट, हमारे यहाँ पे 100 रुपए में ऐसी एड्स बन जाती है, यकीन नहीं तुम्हें, यकीन नहीं भाई साहब। मैंने इस ऐड का नाम रखा है ढूंढ सको तो ढूंढ लो, पता अगर तुम्हें पता है ना, नॉस्टैल्जिया से नहीं, ऐड देख के पता चले गया किस चीज का ऐड है तो कमेंट करना, और जिनको पता ना वो चुप ही रहना। क्योंकि मेरे को भाई, मैंने ये ऐड देखी हुई है और मेरे को एंड तक नहीं पता चलता ये ऐड किस बारे में, ऐड किस बारे में। दांतों में सड़न, आपको चाहिए ये वाला टूथपेस्ट। कट इट,
What a shot! काश मेरी त्वचा भी ऐसी होती। तुम्हें चाहिए ये वाला क्रीम। टेलीविजन पे धुंधली तस्वीरें, तो ले आइए ये वाला टीवी जिसमें है पर्पल रे साउंड और मजबूत पिक्चर क्वालिटी। कमजोर दीवार, आपको चाहिए ये वाला सीमेंट, इसमें है 32 मेगापिक्सल 143। इस सीमेंट में है। कमजोर याददाश्त, आपको चाहिए ये वाला चूरन, ये वाला। खामोश, इन सबको दीजिए ये वाला च्युइंग गम। नॉस्टैल्जिया मारा? नहीं मारा। अबे तुम सेंटर फ्रेश की ऐड तुमने देखी कहाँ है? देखी कहाँ है? आज ज्यादा सेंटर फ्रेश की ऐड इतनी फनी है ना, इतनी फनी और क्रिएटिव रही है इस टाइम पे। आजकल पता नहीं कहाँ है कंपनी, कौन सी ऐड आ रही है पता ही नहीं। ब्लिंकिट्स के भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिवाली का सीजन नहीं आया, मुझे लोग याद नहीं कर रहे, कंपनी वाले कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। हारी है, कुछ खरीदा नहीं। अबे पैसा तेरी माँ छोड़ गई, तेरा बाप जोक भी नहीं कर रहा, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं लोगों के, नहीं कंपनियों के। कल तो एक ऐसी कंपनी का मैसेज आया जिसका नाम तक मैंने नहीं सुना था, विन्नी। मैं कहा ये कौन है बे, तेरे पास नंबर कैसे आया? मैं नहीं बताऊंगा। अगले वाले एड को देख के तुमने कमेंट नहीं किया तो मैं यही समझूंगा तुम्हारा मन खराब हो चुका है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुंह में ये है। ये नहीं बे, एड एड वाला देखो तुम। बेटा मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स, चॉकलेट और दूध के लड्डू। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स, 2 रुपए में 2 लड्डू, कुछ मीठा हो जाए। मजा आया मन में लड्डू फूटा। अबे तो लाइक कर, मन में दूसरा लड्डू फूटा तो मेहंदी साफ कर और कमेंट कर। क्या ये तो बड़ा टोएंगे सना खान भाई। सब सना खान पे इतना कंट्रोवर्सी हुआ ना, मेरा दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। किसी दिन और न्यूज आएगी ना सना की, मैं और झाड़ूंगा उसको। बट सना खान की एड वो मेरे को याद देती है। हाँ मस्त ऐड थी वो वाली नहीं दिखाने वाला तुम्हें, लेकिन ये वाली ज्यादा फनी है, ये वाली फनी है। वो वाली तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं बोलने वाला। हरकी थी थोड़ी, तो हरकी सेक्सुअलाइज थी वो, थोड़ी सी। हमारे संस्कार कहते हैं पति की जगह पत्नी के चरणों में है। नो डाउट उसका अफेयर चल रहा है बाहर, तू चरण में ही साफ रह, पैर साफ कर तू, वो बार मचा रही है। पर आज बीच बाजार ऐसे बेआबरू किया जा रहा है मानो घर में भाई बाप ना हो। कहाँ मिलेंगी ये लड़कियाँ, मुझे वो दुनिया चाहिए, मुझे वो दुनिया चाहिए, वो जगह का नाम चाहिए। कहाँ मिलेंगी ये लड़कियाँ जिनके घर में भाई बाप ना हो, मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूँ। छेड़ो मुझे, मैं छेड़ना चाहता हूँ, मेरे को छेड़ो छेड़ो बे। वीडियो में लाइक और कमेंट का बटन तुम छेड़ते नहीं, मुझे छेड़ो, कमेंट में छेड़ो, छेड़ के दिखाओ मुझे, मुझे छेड़ना है। मैं नहीं मानता, मेरे को छेड़ना है। जानती हैं ये औरतें अबला भारतीय मर्द के आंसुओं की कीमत? जब चाह गले लगा ली, जब चाह पटक दी, मैं कोई खिलौना तो नहीं। कभी बेटा, कभी पति, कभी बाप, आखिर मेरी भी तो इच्छाएं हैं। बहुत हो गया ओए, आप माचो। ये तो बड़ा टॉइंग है भाई, मानो या ना मानो मेरी बकवास हटा के, ये एड एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट एड है, बहुत अच्छा मैसेजिंग है, बट एंड में इन्होंने हग दिया, लेके क्या है बनियाइन। ये तो बड़ा टॉइंग है, अबे साड़ी पहनाई थी पहले में, दूसरे में बनियाइन पहन के, ये तो बड़ा टॉइंग है, अबे चुप। ये थोड़ी बनियाइन मैंने चेंज करी और दुनिया ऐसी बन गई, समझ रहे हो? बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। अरे बनियाइन बहन, दुनिया बदल जाएगी। ये तो बड़ा ट्वाइंग है, ये तो बड़ा ट्वाइंग है, अबे चुप। बाकी इसी नोट पे खत्म कर, मैं आने वाला नहीं था वीडियो में, सीरियसली मेरे को कल नंबर देख के यार वीडियो तो फनी थी यार, वीडियो एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। रीसेंट वीडियो तो बहुत फनी लगती है, फनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट ऐसा है कि हाँ एंटरटेनमेंट में इंजॉयमेंट होता है, बट पता नहीं क्यों यूट्यूब वाला पुश ही नहीं कर रहा यार। ये दुख का है खत्म नहीं होता, तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। जाने ना कहां वो दुनिया है, अरे जो मन करे वो कमेंट करना। पीस आउट।